वेलकम बैक टू माई क्रॉप टॉक योर ओन यूट्यूब चैनल। एंड आई हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ माइक्रोबायोलॉजी के एक और माइलस्टोन जिनका नाम है रॉबर्ट कोच। इससे पहले भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ सर एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के बारे में और सर लुईस पाश्चर के बारे में। तो आज हम जिनके बारे में जानेंगे उनका नाम क्या है, सर रॉबर्ट कोच। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं कि ये कौन थे। जो सर रॉबर्ट कोच थे वो उनका जो जन्म हुआ था, ही वॉज बोर्न इन अनोवर जर्मनी। कहाँ पर? अनोवर जर्मनी, ओके, 1843 में। इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे कि इन्होंने जो ट्यूबरकुलोसिस की डिस्कवरी की थी उसके बारे में बताया था। तो जो कोच थे उनको मिला था नोबल प्राइज़, किसमें? 1905 में नोबल प्राइज़ जो इन्हें मिला था इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी एंड फिजियोलॉजी और मेडिसिन। इनकी जो डेथ हुई थी वो 1910 में हुई थी, जब उनकी एज कितनी थी, 67 थी। उनको कंसीडर किया जाता है बिकॉज ऑफ हिज नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। याद रखना है आपको ये कौन है, जो सर रॉबर्ट कोच हैं उन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, बट जो सर एंटोनी वॉन लीवेनहॉक हैं उनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो बहुत सारे लोग हैं कंफ्यूज रहते हैं कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक सर हैं या फिर यस रॉबर्ट कोच हैं। तो जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं वो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक हैं, और जो फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी हैं वो हैं सर रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट जो इनके नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो ये हैं, उन्होंने 1876 में क्या दिया था, डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि जो एंथरेक्स है उसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो कौन होता है, बैसिलस एंथरेसिस है। कौन है? बैसिलस एंथरेसिस। 1877 में उन्होंने बताए थे मेथड ऑफ स्टेनिंग बैक्टीरिया, इनके बैक्टीरिया को स्टेन करने के मेथड, फोटोग्राफिंग, ठीक है, और नेक्स्ट प्रिपेयरिंग परमानेंट विजुअल रिकॉर्ड ऑन स्लाइड, यानी कि कैसे आप परमानेंट स्लाइड्स बना करके रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। 1881 में सर कोच ने बताया था, उन्होंने सॉलिड कल्चर मीडिया डेवलप किया था एंड द मेथड फॉर स्टडिंग बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर, यानी कि उन्होंने प्योर कल्चर टेक्निक्स भी डेवलप की थी। ये मैंने जब आपको कोच पोस्टुलेट्स पहले पढ़ाए थे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया था कि किस तरीके से, किस एक्सपेरिमेंट में, मेरे ख्याल से 5-6 मिनट का वो वीडियो था और मैंने बहुत अच्छे से उसमें बताया था कि कैसे कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और हर एक पोस्टुलेट डेवलप की थी। इसमें भी थोड़ा मैं आपको बताऊंगी वीडियो में पोस्टुलेट के बारे में। तो जो 1881 थे, कोच ने सॉलिड कल्चर मीडिया डेवलप किया था और क्या किया था, यस, डिफरेंट मेथड दिए थे बैक्टीरिया को प्योर कल्चर में स्टडी करने के। देन 1884 में उन्होंने आइसोलेट किया था बैक्टीरिया, कौन सा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दैट कोज ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि टीबी का जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो सर रॉबर्ट कोच में 1882 में क्या किया था, आइसोलेट किया था। लेकिन जो प्रॉपर स्टडी है, या प्रॉपर स्टडी तो हमारे पास है बट प्रॉपर मेडिसिन हम आज तक भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की लास्ट स्टेज के लिए नहीं बना पाए हैं। तो ये देखिए कितना टाइम पहले उन्होंने इसको आइसोलेट भी कर दिया था बट आज भी हम कितना पीछे हैं। नेक्स्ट 1882 में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नहीं मतलब उनकी लैब में काम करने वाले हेसे ने क्या किया था, अगार एज अ सपोर्ट मीडियम फॉर सॉलिड कल्चर, यानी कि आपने देखा होगा जब आप सॉलिड मीडिया बनाते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं, अगार ऐड करते हैं। तो ये जो मेथड था वो हेसे में, हेसे ने दिया था जो कि क्या थे, कोच की ही लैब में वर्क करते थे। तो फर्स्ट टाइम ये भी कोच की लैब में ही होना शुरू हुआ था। नेक्स्ट जो 18 मैं एक बात और बता देती हूँ यहाँ पर आपको, जो अगार है उससे पहले लैब में जेलेटिन यूज़ होता था, लेकिन जो जेलेटिन था वो यूज़ होना बाद में बंद हो गया था। इसका रीज़न क्या था, क्योंकि वो एक तरीके का प्रोटीन है और कुछ फंजाई क्या होती हैं उसको फीड कर लेती हैं, जिस वजह से मीडिया वापस से क्या जाता है, लिक्विफाई हो जाता है। और सेकंड रीज़न क्या था इसका, कि जो जेलेटिन है वो क्या होता है, जल्दी ही लिक्विफाई हो जाता है, सॉलिडिफाई फेज से लिक्विफाई फेज में चला जाता है, टेम्परेचर हल्के से डाउन होती है। तो अगार क्या था, बेस्ट था एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट फॉर मेकिंग सॉलिड मीडिया। नेक्स्ट है 1883 में उन्होंने आइसोलेट किया था विब्रियो कोलेरा को, जो कि कोजल ऑर्गेनिज्म है किसका, कोलेरा डिजीज है जा बोलते हैं जिसको,
कोमा शेप बैक्टीरिया होता है, इसमें क्या मिलता है, वाइब्रेशन लाइक लोकोमोशन मिलता है। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया था, वेरिफिकेशन किया था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ का, क्योंकि ये जो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ किसने दी थी, सर लुईस पास्टर ने दी थी, और जो रॉबर्ट कोच थे उन्होंने वेरीफाई किया था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ को, कैसे, रिलेटिंग अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म टू अ स्पेसिफिक डिजीज़। उन्होंने क्या किया था, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को रिलेट किया था किसी स्पेसिफिक डिजीज़ से। 1884 में जो कुछ कोच थे, सर रॉबर्ट कोच थे, पुट फोर्थ हिज पोस्टुलेट। उन्होंने क्या किया था, फोर पोस्टुलेट्स ही थी जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोच पोस्टुलेट्स कहते हैं। ये जो कोच पोस्टुलेट्स हम पहले भी डिफाइन कर चुकी हैं थोड़ा सा इस वीडियो में, क्योंकि रिलेशन है तो थोड़ा शॉर्टकट मेथड से मैं यहाँ पर डिफाइन कर रही हूँ। जो कोच पोस्टुलेट है वो क्या कहती है, द सस्पेक्टेड पैथोजन ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म शुड बी प्रेजेंट इन ऑल केस ऑफ डिजीज, यानी कि अगर कहीं डिजीज़ है तो क्या होगा, एक सस्पेक्टेड पैथोजन भी प्रेजेंट होगा, और हेल्दी होस्ट में क्या होगा, हमेशा एब्सेंट होगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक डिजीज़ एनिमल लिया और एक हेल्दी एनिमल लिया। तो जब उन्होंने उसका सीरम लिया, उसका ब्लड लिया, तो उन्होंने क्या देखा कि जो सेल थी, यानी कि ब्लड सेल्स थी, और उसके साथ साथ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म भी मिले थे। कहाँ पर, कल्चर किया था जब उन्होंने डिजीज़ एनिमल को, और लेकिन वो एब्सेंट थे किसमें, एक हेल्दी एनिमल में। नेक्स्ट था, द सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म शुड बी ग्रोन इन प्योर कल्चर। जो सेकेंड पोस्टुलेट थी वो क्या कहती है, जो सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म है हम उसको प्योर कल्चर में ग्रो कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, उसका प्योर कल्चर बनाया था। तो जो हेल्दी होस्ट था, क्योंकि उसमें था ही नहीं कोई भी पैथोजन, तो उसमें उसकी प्लेट में कुछ आया ही नहीं, लेकिन जो कॉलोनीज थी सस्पेक्टेड पैथोजन की, वो प्योर कल्चर में दिखाई दी थी। नेक्स्ट, जो सेल है प्योर कल्चर से उन्होंने आइसोलेट किया, अगर वो किसी पैथोजन में हम इंसर्ट करते हैं, मतलब इंजेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या होगी, सेम डिजीज़ कॉज होगी। तो ये है, सेल फ्रॉम अ प्योर कल्चर ऑफ अ सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म शुड कॉज डिजीज इन हेल्दी एनिमल, यानी कि जब उसको हेल्दी एनिमल में डाल रहे हैं तो फिर से वही डिजीज़ कॉज करेगा। एंड फोर्थ पोस्टुलेट थी, द ऑर्गेनिज्म शुड बी री आइसोलेटेड एंड शोन टू बी द सेम एज द ओरिजिनल, यानी कि अगर जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, और फिर से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सेम ही डिजीज़ क्या होगी, कोज होगी उस एनिमल में। तो यहाँ पर उन्होंने फिर से आइसोलेट किया था और फिर से उसकी प्योर कल्चरिंग की थी, तो उन्हें सेम ही ऑर्गेनिज्म मिला था। तो ये क्या था, कोच पोस्टुलेट थी। मैंने आज आपको थोड़ा सा बताया कि इनके बारे में, सर रॉबर्ट कोच के बारे में। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। इससे फ्यूचर में भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।